वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम ब्लॉग शुरू कर दिया और ये जो ब्रिज आप लोगों को दिख रहा है ये ब्रिज जो है एक्चुअली गंगा नदी का ब्रिज है। हम लोग साइड में से जा रहा है और हमारा जो जर्निंग है कलकत्ता टू हैदराबाद के लिए है। तो हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं, तो फ्लाइट जो है हमारा टाइमिंग फ्लाइट का 7 o'clock, मतलब सुबह में 7 बजे छोड़ा जाएगा एयरपोर्ट से। और ये देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा है कलकत्ता के अंदर। और इधर का सैम्बल दिख रहा है जो हो एक पार्किंग का है और एक इधर एयरपोर्ट के तरफ दिखा रहा है मतलब। और मौसम जो है बिल्कुल ख़राब है एकदम, सुबह से नहीं मतलब 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब चल रहा है मौसम। और हम जो सुबह में घर से निकला तब भी हल्का मतलब बारिश हो रहा था एकदम। अभी कलकत्ते के अंदर जितना सामने के तरफ आ रहा मतलब कलकत्ते के तरफ थोड़ा भर के हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे शीशे में बारिश दिख रहा है आप लोगों को। और हम लोग जो है अभी कलकत्ता एयरपोर्ट के पास आ चुका, ये देख सकते हैं कलकत्ता एयरपोर्ट, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए पूरा साइड में जो है गाड़ी पार्किंग का रहता, 4-व्हीलर ओनली। ये है कलकत्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम लोग जो है आ चुका है एयरपोर्ट के पास, तो यहाँ से जो है हम लोगों को गाड़ी से उतरना है और सामने चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे चेकआउट करना है पूरा टिकट वगैरह जो भी है। और यहाँ पे देखिए चेकिंग शुरू कर लिया हमारा, उसके बाद हमारे को जो है अपना एयर एशिया का जो काउंटर है तो काउंटर में जाके हमारा बोर्डिंग पास वगैरह पूरा चेकआउट करना है। तो चलिए हमारे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सामान वेट हो रहा है और यहाँ पे टैग लगा जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को नया देखने को मिला जो है, ऑलरेडी मैं ऑनलाइन में बोर्डिंग पास निकाल चुका फिर भी यहाँ से काउंटर वाला बोर्डिंग पास हमारे को दिया गया है देख सकते हैं। और हमारे को अभी 19 नंबर गेट के पास जाना है, तो अभी हम जो है 19 नंबर गेट के पास जा रहा है और वहाँ से जो है हमारा फ्लाइट स्टार्टिंग होता। तो चलिए हमारे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। तो चलिए चलते हैं। Oh,
तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। तो यहां से जो है हम बाहर निकल जाएंगे और ओला के लिए देखेंगे ओला है क्या यहां पे। तो चलिए हमारे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मिलता हूँ फिर से नया ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।